हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है द स्वान एंड द प्रिंसेस ए प्ले, हंस और राजकुमार एक नाटक। अभी तक आपने देखा कि ये जो हमारा पार्ट है वो गौतम बुद्ध के सच्ची घटना पर आधारित है, उसी उन्हीं की घटना में से लिया गया है, उनके बचपन की कहानी है। इस पार्ट में अभी तक आपने देखा कि आपको बताया गया है कि जो कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन है, उनका बेटा सिद्धार्थ राजकुमार, सिद्धार्थ जो है बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और वो जानवरों से सभी से बहुत प्यार करते हैं और सबका बहुत केयर करते हैं। लेकिन उनका जो चचेरा भाई देवदत्त है वो बिल्कुल उनके विपरीत है। एक बार देवदत्त एक हंस को मार के गिरा देते हैं और वो जो हंस है वो बगीचे में बैठे हुए सिद्धार्थ के पास गिरता है। सिद्धार्थ उस घायल हंस को उठाते हैं और उसका मलहम पट्टी करते हैं। और इस आपके पाठ में शायद इन बातों का जिक्र नहीं है, तो वो हंस को पानी पिलाते हैं, घाव पे उसके मरहम लगाते हैं और तभी देवदत्त आता है और सिद्धार्थ से उनसे हंस मांगता है क्योंकि देवदत्त ने उसे मार के गिराया है। सिद्धार्थ देने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उस हंस का जीवन बचाया। इस बात को लेकर देवदत्त क्रोधित हो जाता है और वो राजा के पास जाकर सिद्धार्थ की कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। और अब ही तक आपने देखा कि जो सुद्धोधन राजा हैं उन्होंने देवदत्त की शिकायत को सुना है और सिद्धार्थ को अपने पास महल में राज दरबार में बुलवाया है और दोनों की बातें अभी सुनेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि सुद्धोधन जो है देवदत्त को टाइम देते हैं कि वो अपना पक्ष रखे, सिद्धार्थ को टाइम देंगे कि वो अपनी बात रखे। तो आइए देखते हैं कि दोनों हंस को पाने के लिए देवदत्त क्या दावा करता है और हंस को पाने के लिए सिद्धार्थ क्या दावा करते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे किंग सिद्धार्था देवदत्ता सेज दैट यू हैव टेकन दिस स्वान। यहाँ से हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में, अगर आपको वीडियो में नेटवर्क स्लो होगा तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो आप अपनी बुक का हेल्प ले सकते हैं। मेरी वॉयस को सुन के आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। किंग राजा सिद्धार्था देवदत्ता सेज दैट यू हैव टेकन हिज स्वान। सिद्धार्थ देवदत्त कह रहा था कि तुमने उसका हंस ले लिया है। इज दैट द स्वान विच यू टुक फ्रॉम हिम। क्या यह वही हंस है जिसे तुमने उससे लिया है। सिद्धार्थ योर हाइनेस। योर हाइनेस माने भी महाराज होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। करा है योर हाइनेस महाराज। देवदत्ता हैज कंप्लेन अबाउट द स्वान। देवदत्त ने इस हंस के बारे में शिकायत किया है। बट इट इज नॉट हिज स्वान। लेकिन यह हंस उसका नहीं है। इट्स माइन। यह मेरा है। देवदत्त कहता है नो योर हाइनेस इट इज नॉट हिज। नहीं महाराज यह उसका नहीं है। इट इज माइन। यह मेरा है। आई शॉट इट विथ एन एरो। मैंने इसे एक तीर से मारा है। सिद्धार्थ इज टेलिंग अ लाई। सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। किंग राजा बिकाम देवदत्ता। देवदत्त शांत हो जाओ। यू से दैट द स्वान इज योर्स बिकॉज यू शॉट इट। तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे मारा है। इज दैट राइट। क्या यह सही है। देवदत्ता देवदत्त क्या कहता है। यस सर दैट्स क्वाइट राइट। हाँ महाराज यह बिल्कुल सही है। किंग राजा व्हाट डू यू से सिद्धार्था। सिद्धार्थ तुम क्या कहते हो। व्हाई डू यू से दैट द स्वान इज योर्स। तुम क्यों कहते हो कि हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ योर हाइनेस महाराज देवदत्ता सॉट दिस स्वान बट आई सेव्ड इट्स लाइफ। देवदत्त ने इस हंस को मारा है लेकिन मैंने इसके जीवन को बचाया है। दैट्स वाई इट्स माइन। यही कारण है कि यह मेरा है। मिनिस्टर्स हियर हियर सुनो सुनो। किंग आगे देखिए कह रहा है। किंग राजा लिसन सिद्धार्था। सिद्धार्थ सुनो। अ क्षत्रिय कांट गिव अप व्हाट ही हैज सॉट।
एक छत्री जो कुछ उसने मारा है वह उसे छोड़ नहीं सकता है। डू यू एग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे सहमत हो? राजा सिद्धार्थ, जब दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और उन दोनों में बहस होने लगा तो मिनिस्टर जो मंत्री हैं उन दोनों को शांत कराते हैं और राजा कहते हैं सिद्धार्थ से कि एक छत्री, जो पुराने ज़माने में छत्री होते हैं, हमारे जो जाति को चार वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य, शूद्र, तो जो छत्री होते हैं उनके बारे में कहा गया है, उनकी क्वालिटी, उनका गुण होता था कि वो अगर कोई शिकार करते हैं, किसी को मारते हैं, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी संपत्ति हो जाती है। तो वही कह रहा है कि ए छत्री कांट गिव अप व्हाट ही हैज सॉट, एक छत्री नहीं छोड़ सकता है जो कुछ उसने मारा है। डू यू एग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे सहमत हो? सिद्धार्थ यस, हाँ आई डू, मैं सहमत हूँ सर, माने महाराज, बट ए छत्री कांट गिव अप अ सप्लायंट आइदर। कह रहा है सिद्धार्थ कहते हैं, राजा जब उनसे ये बात कहते हैं तो सिद्धार्थ कहता है कि हाँ मैं सहमत हूँ महाराज। सिद्धार्थ कहता है कि यस आई डू सर, हाँ महाराज मैं सहमत हूँ, बट ए छत्री कांट गिव अप अ सप्लायंट आइदर, लेकिन एक छत्री अपने शरणागत यानी अपनी शरण में आए हुए सहायते मंद व्यक्ति को भी नहीं छोड़ सकता है। सप्लायंट माने जो शरण में आता है हमारे, उसी को कह रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है राजा की बात पे कि ए छत्री कांट गिव अप अ सप्लायंट आइदर, एक छत्री अपने शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता है। दिस स्वान केम टू मी फॉर प्रोटेक्शन, यह हंस मेरे पास सुरक्षा के लिए आया। आई कांट गिव इट अप, मैं इसे नहीं त्याग सकता हूँ। यह हंस मेरे पास सुरक्षा के लिए आया है, मैं इसे नहीं त्याग सकता हूँ। देवदत्त, योर हाइनेस दिस इज इनजस्टिस, महाराज यह अन्याय है। आई सॉट द स्वान सो इट्स माइन, मैंने हंस को मारा है इसलिए यह मेरा है। किंग, राजा, वेल ठीक है, बॉयज माने लड़को ठीक है, आई एम पजल्ड माने क्या होता है, परेशान होना, मैं परेशान हूँ। इट्स अ स्ट्रेंज केस, यह एक विचित्र मामला है। आई डोंट नो हाउ टू डिसाइड इट, मैं नहीं जानता किसका निर्णय कैसे किया जाए। टू द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? चीफ मिनिस्टर क्या कहता है ये सारी बातें, क्या मिनिस्टर राजा की सहायता कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या होता है, इस बात में हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि वाकई हंस किसको मिलता है, देवदत्त को मिलता है या सिद्धार्थ को मिलता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई मुझे सुझाव देना है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। आपने वीडियो को देखा तो एक बार रिएक्शन अपना ज़रूर मुझे बताइए, आपके दिल में कैसा लगा, फीलिंग अच्छा, कठिन, गुड, कुछ भी तो मुझे कमेंट करिए, जिससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। और अभी तक आप अगर अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़े और आगे बढ़े। प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए। आई होप मेरी वीडियोज़ आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करते होंगे। थैंक यू सो मच।